नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC ट्यूब टीवी पर। एबेकस की फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था एबेकस क्या होता है, एबेकस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक रूल ऑफ ऑपरेटिंग एबेकस, हाउ टू होल्ड पेंसिल, प्रॉपर यूज ऑफ फिंगर्स एंड काउंटिंग विद एबेकस। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके एबेकस के बारे में सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एबेकस पर किस प्रकार से किया जाता है और स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले क्या होते हैं और इनका यूज़ हम कब और किस प्रकार से करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एबेकस पर कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है क्या आपका एबेकस क्लियर मोड में है या नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना एबेकस क्लियर करना है। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था, एबेकस को क्लियर करने के लिए हम अपने राइट हैंड के थंब एंड इंडेक्स फिंगर को बीम के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट में इस प्रकार से प्लेस करते हैं और थंब एंड इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से स्लाइड करते हैं। चलिए एक बार और करते हैं। अब हमारा एबेकस क्लियर मोड में है और एबेकस पर कैलकुलेशन हम हमेशा यूनिट रॉड से स्टार्ट करते हैं। यूनिट रॉड वो रॉड होती हैं जिनके ऊपर डॉट्स बने होते हैं। जैसे कि इस एबेकस में हमारे पास 5 डॉट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस एबेकस में हमारे पास 5 यूनिट रॉड हैं, तो आप किसी भी यूनिट रॉड से कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रही हूँ अपने सेंटर यूनिट रॉड से। उसके बाद आपको पेंसिल हमेशा होल्ड करके रखनी है। अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपको पेंसिल अपने राइट हैंड की इन 3 फिंगर्स की हेल्प से होल्ड करना है और आपको एबेकस को भी होल्ड करके रखना है। एबेकस को हम होल्ड करेंगे लेफ्ट हैंड के थंब एंड लास्ट 2 फिंगर की हेल्प से इस तरीके से, और पेंसिल को भी इस प्रकार से होल्ड करके रखना है। तो ये हमारी एबेकस पर कैलकुलेशन करने की पोजीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1+1। लोअर बीट्स को हम सेट करते हैं अपने थंब की हेल्प से। ये हो गया हमारा 1+1। वन मोर बीट को हम सेट करेंगे। जितनी भी बीट्स हमारे बीम को टच कर रही हैं वो हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 2। अब हम एबेकस को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 3+1, आंसर इज 4। एबेकस को क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5+2। अपर बीट्स की वैल्यू होती है हमारी 5। अपर बीट्स को हम मूव करते हैं अपने इंडेक्स फिंगर की हेल्प से। तो हम अपर बीट को हम मूव करेंगे बीम की तरफ। ये हो गया हमारा 5+2। थंब की हेल्प से 2 बीट्स हम मूव करेंगे बीम की तरफ। 5+2 इज 7। क्लियर किया एबेकस। नेक्स्ट 7+1। 7 हम एक साथ इस तरीके से मूव करेंगे बीम की तरफ, +1। अब हम काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8, आंसर इज 8। क्लियर किया एबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2+7, आंसर इज 9। एबेकस क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। तो टेंस प्लेस पर हम मूव करेंगे 1 बीट एंड यूनिट प्लेस पर हम मूव करेंगे 2 बीट्स। ये हो गया हमारा 12। -2 माइनस करेंगे हम इंडेक्स फिंगर की हेल्प से। ये हो गया हमारा -2 +7, आंसर इज 17। तो सबसे पहले एबेकस क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38
टेंस रॉड पर 3 वीट सेट करेंगे एंड यूनिट रॉड पर 8। ये हो गया हमारा 38 प्लस 1 माइनस 6, आंसर इज 33। एबेकस को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 प्लस 53 माइनस 7 माइनस 7, आंसर इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, टेंस रॉड पर हम सेट करेंगे 90, यूनिट रॉड पर हम सेट करेंगे 9, 99 माइनस 8, ये हमारा माइनस 8 प्लस 2, आंसर इज 93। एबेकस को हम करेंगे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 प्लस 1 प्लस 2, अब हमको ऐड करना है 2, लेकिन लोअर डेक में हमारे पास कोई भी बीट्स अवेलेबल नहीं है, तो अब हम 2 किस प्रकार से ऐड करेंगे। तो ऐसे केसेस में जब भी आपको 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से कोई भी नंबर ऐड करना हो, पर आप इन नंबर्स को डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको हेल्प लेनी पड़ती है स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूलेस की। तो स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले के लिए हमारा जो बेस नंबर होता है वो होता है 5। तो ऐसा नंबर जिसको इन नंबर्स के साथ ऐड करने पे 5 मिलता हो, वो नंबर इन नंबर्स का स्मॉल फ्रेंड कहलाता है। जैसे कि 1 में 4 ऐड करने पर हमको 5 मिलता है, तो 1 का स्मॉल फ्रेंड हुआ 4। इसी प्रकार 2 में 3 ऐड करने पर हमको 5 मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि 2 का स्मॉल फ्रेंड होता है 3। 3 में 2 ऐड करने पर हमको 5 मिलता है, तो 3 का स्मॉल फ्रेंड होता है 2। 4 में 1 को ऐड करने पर 5 मिलता है, तो 4 का स्मॉल फ्रेंड है 1। तो 1 का स्मॉल फ्रेंड होता है 4, 2 का स्मॉल फ्रेंड होता है 3, 3 का स्मॉल फ्रेंड होता है 2 एंड 4 का स्मॉल फ्रेंड होता है 1। तो जब भी आपको 1 ऐड करना है, तो आप ऐड करेंगे 5 और 1 के स्मॉल फ्रेंड होता है 4, उसको करेंगे माइनस। इसी प्रकार से 2 ऐड करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा 5 और माइनस करना पड़ेगा 2 के स्मॉल फ्रेंड को, यानी कि 3 को। 3 ऐड करने के लिए हम ऐड करेंगे 5 एंड 3 का फ्रेंड होता है 2, तो उसको करेंगे माइनस। जब भी आपको 4 ऐड करना है, तो आप करेंगे ऐड 5 एंड 4 का स्मॉल फ्रेंड होता है 1, तो 1 को करेंगे हम माइनस। तो ये होते हैं हमारे स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूलास। तो जब भी आपको 1, 2, 3 एंड 4 इनमें से कोई भी नंबर ऐड करना हो, लेकिन इन वैल्यू की बीट्स लोअर डेक में अवेलेबल ना हो, तो उस केस में आपको इन फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है। तो चलिए अपना क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 63 प्लस 1 हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब हमको ऐड करना है 2, लेकिन 2 यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम ऐड करेंगे 5 को और माइनस करेंगे 2 के स्मॉल फ्रेंड यानी कि 3 को, आंसर इज 66। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं और स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले को और अच्छे से अप्लाई करना सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 2 प्लस 1, अब हमको ऐड करना है 1, लेकिन 1 हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, क्योंकि 1 का स्मॉल फ्रेंड होता है 4, तो आंसर इज 5। अब एक इसको हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 प्लस 1 प्लस 2, अब हमको ऐड करना है 2, 2 हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5, 2 का फ्रेंड होता है 3, उसको माइनस करेंगे, आंसर इज 6। एबेकस को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 प्लस 3, यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ऐड करेंगे 5, माइनस करेंगे 2 प्लस 1, आंसर इज 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 + 2 + 4, हमको ऐड करना है 4, लेकिन 4 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको हेल्प लेनी पड़ेगी स्मॉल फ्रेंड फॉर्मूले की। तो ऐड करेंगे 5, 4 का फ्रेंड होता है 1, उसको माइनस करेंगे, आंसर इज 28। एबेकस को हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 + 1 + 1, 1 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5 और माइनस करेंगे 4, आंसर इज 35। एबेकस को हमने किया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 + 4, 4 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ऐड करेंगे 5, 4 का फ्रेंड होता है 1, उसको कि हमने माइनस, माइनस 5, आंसर इज 23। एबेकस को क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 - 6 + 3, डायरेक्टली हम 3 ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5, 3 का फ्रेंड होता है 2, उसको किया माइनस, आंसर इज 45। एबेकस को किया हमने क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + 51 + 4, 4 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5 एंड 4 का फ्रेंड होता है 1, उसको करेंगे माइनस, आंसर इज 58। एबेकस को किया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 + 1, 1 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5 एंड माइनस करेंगे 1 के फ्रेंड को यानी कि 4 को, प्लस 3, आंसर इज 68। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 + 2, हमको ऐड करना है 2, लेकिन 2 हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐड करेंगे 5, 2 का फ्रेंड होता है 3, 3 को माइनस, प्लस 4, आंसर इज 79। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप स्मॉल फ्रेंड फार्मूलाज की और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने फेसबुक पेज पर कुछ वर्कशीट अपलोड की हुई हैं, तो वहाँ से आप उन वर्कशीट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।